सुनते हैं डॉक्टर प्रताप सहगल का लिखा नाटक अन्वेषक की पहली कड़ी। निर्देशन काजल सूरी। सावधान, महामृतंड, आर्य धर्म के आलोक स्तंभ, कवि कुल पालक, सम्राट बुद्ध गुप्त पधार रहे हैं। महामात्य, सभा की कार्यवाही आरंभ की जाए। सम्राट बुद्ध गुप्त की जय हो। आज का विषय हुणों के आक्रमण की आशंका है। साथ ही आपने आचार्य आर्यभट्ट को भी मिलने का समय दिया हुआ है। हुणों के संबंध में क्या समाचार है? सम्राट, हमें अपने गुप्तचरों से सूचना मिली है, हुण जाति के लोग गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण के लिए पुनः तत्पर हो रहे हैं। ये चिंता का विषय है महामात्य। आपने हुणों की विफलता के लिए क्या उपाय किया है? सेनापति को सावधान कर दिया गया है सम्राट। सेना को सावधान कर देना ही पर्याप्त नहीं है, प्रजा को भी सावधान करना आवश्यक है। सम्राट बुद्धगुप्त की जय हो। पिछली बार सम्राट के पराक्रम ने हुण आक्रमण विफल कर दिया था। प्रजा के सहयोग की भूमिका को भुलाना नहीं चाहिए। अव्यवस्था ना हो इसलिए प्रजा को सावधान नहीं किया गया। सम्राट, हमें अन्न के भंडार की स्थिति भी देख लेनी चाहिए। अन्न का प्रचुर भंडार हमारे पास है महाराज। तब तो अव्यवस्था का प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों अमात्य देववर्मा? महाराज, मेरे मत से प्रजा को सावधान कर दिया जाए। अचानक आक्रमण की सूचना मिलने पर प्रजा का मनोबल टूट भी सकता है महामात्य। अपराध क्षमा हो सम्राट, आचार्य आर्यभट्ट आपसे मिलना चाहते हैं। महामात्य, अन्न का प्रचुर भंडार हमारे पास है, अस्त्र शस्त्र का अभाव नहीं। तब प्रजा को समय से पूर्व सूचित करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। सभासदों का क्या मत है? मेरे लिए क्या आदेश है सम्राट? आचार्य को सम्मान पूर्वक अंदर ले आइए। सम्राट, इस विषय पर चर्चा हो जाती तो? आप तो जानते हैं हमें कितना स्नेह है आचार्य आर्यभट्ट से। वो हमारे राज्य के अमूल्य रत्न है। गुप्त साम्राज्य अमर रहे सम्राट बुद्धगुप्त। आइए आइए आर्यभट्ट, प्रणाम। संभवतः सम्राट किसी मंत्रणा में व्यस्त हैं। हाँ आचार्य, आप काम तो महत्वपूर्ण था, पर मैं फिर किसी समय उपस्थित हो जाऊंगा। महामात्य, क्या हम थोड़े समय के लिए चर्चा को स्थगित कर सकते हैं? चर्चा भी स्थगित हो सकती है, और चाहे तो आचार्य थोड़ी प्रतीक्षा कर सकते हैं। वैसे मैंने तो अपनी सम्मति दे दी है। आप सभासदों से मंत्रणा करें, जो भी सम्मति बने उससे हमें अवगत करवाएं। तब तक हम आचार्य से बात कर लेते हैं, बहुत दिनों बाद इनके दर्शन हुए हैं। जी महाराज। आइए आचार्य आर्यभट्ट, हम उद्यान में चलते हैं। आइए आइए महाराज। मेरे लिए क्या आदेश है आचार्य? आदेश नहीं, निवेदन है। आज्ञा। आप तो जानते ही हैं सम्राट कि मैं पिछले कई वर्षों से अनुसंधान में लगा हूं, और कुछ निष्कर्षों पर पहुंचने की संभावना भी दिखाई पड़ती है, किंतु किंतु क्या आचार्य? आप निसंकोच कहिए। गुप्त वंश की परंपरा का अनुसरण करते हुए शिक्षा, संस्कृति और धर्म के विस्तार के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तत्पर हूँ। सम्राट, धनाभाव के कारण वेदशाला बननी रुकी हुई है। आपने हमें इसकी सूचना पहले क्यों नहीं दी? पत्र भिजवाया तो था। अच्छा, ये राज्य कर्मचारियों की उदंडता है या किसी की ईर्ष्या? वो पत्र हम तक पहुंचा ही नहीं। जाने दीजिए, आप अपनी आवश्यकता बतलाइए। सम्राट, वेदशाला पूरी हो, मैं शोध पूरा कर सकूं, अपने निष्कर्ष समाज को दे सकूं, केवल यही मेरी इच्छा है। आचार्य आर्यभट्ट, गुप्त साम्राज्य आज पहले सा शक्तिशाली नहीं रहा। हुणों के आक्रमण की आशंका भी निरंतर बनी हुई है। राज्य कर्मचारी कुछ उदंड हो रहे हैं, प्रजा से कर प्राप्ति में भी कमी हुई है, लेकिन शिक्षा और शोध के लिए गुप्त साम्राज्य के कोष में राशि का अभाव नहीं है। मैं आज ही आदेश जारी कर दूंगा, आपकी वेधशाला शीघ्र पूरी होगी और हमें
शीघ्र ही आपके शोध के परिणाम जानने का अवसर मिलेगा। अवश्य। आपसे एक निवेदन और है आचार्य। कहिए सम्राट। आप तो जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में कुलपति का स्थान रिक्त होने वाला है। हमारी इच्छा है कि आप नालंदा के कुलपति का पदभार संभालें। किंतु मुझे कह लेने दीजिए आचार्य, मैंने ये भी निर्णय लिया है कि आप चाहें तो राजधानी से थोड़ी दूर अग्रहार ग्राम के रूप में कुसुमपुर को स्वीकार करें और अपना शोध कार्य वहीं पूर्ण करें। दोनों कार्यों के साथ न्याय ना हो सकेगा। मुझे अपना शोध पूर्ण करने दें, उसके लिए मैं कुसुमपुर चला जाऊंगा और प्रयोग वेदशाला में ही करूंगा। विश्वविद्यालय के कुलपति का पदभार अभी नहीं संभाल पाऊंगा, क्षमा करें। जैसी आपकी इच्छा, आप जब भी चाहें इस पद पर आसीन हो सकते हैं आचार्य। धन्यवाद सम्राट। हमेशा औपचारिकता में ही पड़े रहेंगे। सम्राट, मैं तो जब भी चाहूं आपके पास पहुंच जाता हूं, इसे आप औपचारिकता कहते हैं? हर समय अध्ययन, अध्यापन, शोध, जीवन का अर्थ केवल इतना ही है। मुझे सदा यही अनुभव होता है। अभी बहुत दूर जाना है, बहुत दूर। ठीक है, जाइए आप बहुत दूर, और चाहें तो ये दूरी छोटी भी लग सकती है। मैं समझा नहीं। गणित के प्रकांड विद्वान, महान खगोलविद आर्यभट्ट इतना छोटा सा संकेत भी नहीं समझते? स्पष्ट कहिए ना। आप ही रहस्य खोल दीजिए। ओह, तो समाचार आप तक भी पहुंच गया। लोक अपवाद राजमहल की सीमा को भी स्वीकार नहीं करते। लोक अपवाद? हाँ, जब महामात्य को पता चला कि आज आप मुझसे मिलने आने वाले हैं, तो उन्होंने मुझे संकेत दिया। पर मेरा और केतकी का संबंध वो नहीं जो लोग समझ रहे हैं। हमारे महामात्य को अपनी पुत्री के लिए इससे अच्छा वर और कहाँ मिलेगा? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं केतकी से विवाह कर लूं? अभी भी कोई संदेह है सम्राट? ये औपचारिकता राज कक्ष के लिए ही रहने दीजिए, यहां तो हम दोनों मित्र हैं। केतकी कुछ दिन पहले गणित की समस्या लेकर मेरे पास आई थी। वो एक सूत्र था जो केतकी ने आप तक पहुंचने के लिए खोजा। तो क्या? हाँ, वो आपके प्रति आकर्षित थी। आपकी विद्वता के लिए उसके मन में आदर है। आदर का अर्थ प्रेम तो नहीं होता? आदर, श्रद्धा, डर, किसी न किसी मार्ग से ही पहुंचता है प्रेम। ये सच है बुधगुप्त, कि केतकी और मेरे बीच कुछ है जिसकी व्याख्या संभव नहीं। ये आपका भ्रम है। भ्रम नहीं, ये सत्य है। ये विडंबना है। जो भी कहे, सत्य ये है कि हम घंटों बैठकर इस खगोल के रहस्यों पर ही चर्चा करते रहते हैं। तब तो केतकी आपके शोध में भी सहायक सिद्ध होगी। संभव है, और आशंका भी है। आशंका? हाँ, कि मेरे अंदर उठता हुआ उद्दाम आवेग एक तेज ज्वार कहीं हम दोनों को विपरीत दिशा में बहा कर ना ले जाए। आर्यभट्ट, सच्चाई यही है जो तुमने अब कही। हाँ, एक और मेरे अंदर का आवेग, दूसरी ओर वेदशाला, खगोल के रहस्य, गणित के उलझे हुए प्रश्न, इन्हीं के बीच फंसा हुआ हूं कहीं। मेरी मानो, केतकी से विवाह कर लो। विवाह तो हो चुका मेरा। क्या कह रहे हो? वेदशाला से तो दूसरा विवाह कर लो। यह केतकी को कभी स्वीकार नहीं होगा। आप उस पिता की मानसिक स्थिति का अनुमान लगाइए। इसकी युवा कन्या को लेकर तरह तरह के अपवाद फैलने की आशंका है। तो ठीक है, आज के बाद मैं केतकी से नहीं मिलूंगा। ये तुम स्वयं को मकर जाल में कस रहे हो। मेरे लिए यही उचित है। नदी की धारा के वेग को विपरीत दिशा में ले जाना चाहते हो? धारा को रोक तो सकता हूँ। धारा किनारे तोड़कर बह निकलेगी। मैं ये नहीं होने दूंगा। सितारे मुझे अपनी ओर बुला रहे हैं सम्राट। आकाश में छिपे न जाने कितने हाथ मुझे संकेत दे रहे हैं। आर्य भट्ट, इधर आओ, इधर आओ, हम यहाँ हैं, यहाँ हैं। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। चिंतामणि। बोलो चूड़ामणि। कुछ सुना तुमने?
यही ना कि महाराज बुद्धगुप्त ने आर्यभट्ट के सामने नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति पद देने का प्रस्ताव रखा है? सिर्फ इतना ही? और भी कोई बात है? है। क्या बात है? सारा पाटलिपुत्र जानता है। अरे बोलो भी। यही आर्यभट्ट और केतकी को लेकर तरह तरह के अपवाद। अच्छा, तब तो महामात्य ने भी कुलपति के लिए आर्यभट्ट की अनुशंसा की होगी। पर तुम्हें ये कैसे पता कि ये पद आर्यभट्ट को देने का प्रस्ताव है? जैसे तुम्हें पता। इसका अर्थ ये है कि महल के अंदर के समाचार देने के लिए तुम्हारे गुप्तचर भी सक्रिय हैं। भी से तात्पर्य? तुम स्वयं विद्वान हो। अब इस आर्यभट्ट को देखो, इतनी अल्पायु में ही इतना बड़ा पद। क्या महाराज को पूरे गुप्त साम्राज्य में कोई और योग्य व्यक्ति नहीं मिला? ये चिंता का विषय है चिंतामणि। तुमने नालंदा में ही शिक्षा अर्जित की, वहीं शिक्षा दे रहे हो, फिर भी महाराज की विशिष्ट अनुकंपा का पात्र बना कल का छोकरा आर्यभट्ट और बनेगा महामात्य का जामाता। हाँ, पर मेरे सामने ही तो ये यहाँ आया था। वैसे कुशाग्र बुद्धि तो है वो, पर कुछ वय का सम्मान भी तो करना चाहिए। वही तो। एक से एक प्रकांड विद्वान आचार्य नालंदा में भरे पड़े हैं, फिर भी कुलपति पद का प्रस्ताव दिया जाता है आर्यभट्ट को। हाँ, गुरु मित्र होने का ये तो अर्थ नहीं कि ऐसा पक्षपात हो। मुझे तो लज्जा आ रही है, ये कल का छोकरा हम जैसे महाविद्वानों पर शासन करेगा। लगता है वो गया। कहाँ? तुम्हें नहीं मालूम? नहीं तो। महाराज ने अग्रहार ग्राम के रूप में कुसुमपुर का सारा प्रदेश आर्यभट्ट को दे दिया है। हाँ? ताकि वो अपना अध्ययन और शोध जारी रखे। बिना वेदशाला के खगोल में शोध? वेदशाला नालंदा में है ना, इसके विकास के लिए अतुल अनुदान दिया गया है। पता नहीं वो क्या करना चाहता है। जो भी करेगा होगा हमारे हितों के विपरीत। ये तो मैं तुम्हें आज ही बता सकता हूँ। महाराज को चलकर समझाना चाहिए। क्या? यही कि जब तक आर्यभट्ट के शोध परिणाम विद्वत समिति से पारित ना हो जाएं, उन्हें सार्वजनिक रूप से घोषित करने की अनुमति ना दी जाए। महाराज स्वीकार करें तब ना। अगर महाराज ना माने तो हमें विद्वत परिषद के सभी सदस्यों से मिलकर उन्हें समझाना चाहिए। वाह चिंतामणि, तुमने भी क्या कुशाग्र बुद्धि प्राप्त की है। फिर कार्यवाही का श्री गणेश हो। हो। चले? हाँ चलो। मेरे मन की जलराशि में बेकल हलचल, कहीं झांकता मृगशावक सूने कोन से, और कभी गहरे काले घन घुमड़ घुमड़ कर पिन भर से विचलित हो जाते। सुंदर, अति सुंदर, नई कविता लिखी है? हाँ। सुनाओ। गंगा जितनी शांत है, मन उतना ही उद्विग्न। तुम्हारी उद्विग्नता मेरे लिए घातक हो सकती है केतकी। तुम ही बताओ क्या करूं। प्रतीक्षा। एक सीमा के बाद प्रतीक्षा निरर्थक होती है। तुम काव्य की भाषा बोलती हो और मैं अंकों की भाषा समझता हूँ। मैं भी सीख गई हूँ अंकों की भाषा, लेकिन गणित नहीं मन के रहस्य, संबंधों का सौर जगत पेचीदा झीना ओ गहरा है। कलकल करती गंगा मन में आवेश हिला देता अंदर तक।
पर जीवन तट पर ठहरा है। सुंदर, तुमने गणित और कविता की दुनिया को आमने सामने ला खड़ा किया है केतकी। लगता है जैसे जल प्लावन में भी एक बतख तैर रही हो। अब तुम बोल रहे हो कविता की भाषा। तब संप्रेषण की समस्या हल हुई? उपहास में बात डालना चाहते हो? तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। मुझे प्रसन्न देखना चाहते हो तो संबंधों के सौर जगत में उतरो तो। पढ़ो आर्यभट्ट इस खगोल को, जहां तैरते भाव विफल। कहूं बात एक तनिक सुनोगे? बिना एक उत्तप्त प्रेम के जीवन बहुत गहरा है। जानता हूं केतकी, ये भी जानता हूं कि भाव मन का गुण है और मैं बुद्धि का अनुचर बना हुआ हूं। इससे मुक्ति संभव है। कैसे? कुसुमपुर जाने का विचार त्याग दो। जो काम तुम कुसुमपुर में जाकर करना चाहते हो वो यहाँ भी हो सकता है। ये संभव नहीं है केतकी, नहीं है संभव। तुम जानती हो सम्राट बुद्धगुप्त मेरे लिए केवल सम्राट ही नहीं, गुरु भाई हैं। भाई से भी अधिक स्नेह है उनका मुझ पर। मुझे भी वो भगिनी से स्नेह देते हैं। वो सब ठीक है, पर तुम मेरा संकट समझो। समझती हूँ तुम्हारी व्याकुलता, पर लोक अपवाद का भय, पिताजी के मुख पर फैली चिंता की रेखाएं, समझ में नहीं आता मैं कहाँ खड़ी हूँ। तुम्हारे पाँव के नीचे ठोस यथार्थ है, मन में कल्पना की तरंगे हैं और आंखों में फैली हुई आशंकाएं। हाँ, इन्हीं आशंकाओं का उत्तर मुझे खोजना है। और तुम हो कि कुसुमपुर जा रहे हो? तुमसे दूर कहाँ हूँ, पास ही तो है कुसुमपुर। तुम्हारे पास रहकर भी तुमसे तनिक दूर रहूंगा, संभव है मेरी व्याकुलता का कोई समाधान मिल जाए। मैं यहाँ भी बाधा नहीं बनूंगी आर्यभट्ट। जानता हूँ केतकी, जानता हूँ, पर तुम्हारी रूप राशि देखकर स्वयं से डरता हूँ। डरता हूँ कि नीले आसमान में फैले नक्षत्रों ग्रहों के रहस्यों को पकड़ने को आतुर ये हाथ तुम्हारी घनी केश राशि में ही उलझ कर न रह जाए। मैं इन्हें तुम्हें एक अर्थ देना चाहता हूँ केतकी। सहमत हूँ तुम्हारी बातों से, सहमत हूँ, पर अनदेखी नहीं करती। कटु यथार्थ कि पिताजी पर तरह तरह के दबाव पड़ रहे हैं। वो दबाव तो झेलने होंगे। मुझे खोजना है अभी अपना सत्य, खोलने हैं इस सौर मंडल के गूढ़ रहस्य। समय कहाँ है मेरे पास कि लोक अपवाद सुनूं वो ये निरर्थक प्रलाप। केतकी, तुम मेरी निर्बलता नहीं प्रेरणा बनो। मैं तो केवल कविता में ही ऊंचा सोचती हूँ, पर तुम तो जीवन में ऊंचा सोचते हो। केतकी, बातों का समय नहीं है मेरे पास, मुझे तो पहुंचना है एक उच्च शिखर पर। दुर्गम है मार्ग और अवरोध खड़ा करने वाली शक्तियां। आओ आओ इन सबको तोड़कर सूर्य की ओर देखें। आर्यभट्ट, निशंकु, अरे उठो निशंकु, प्रभात हो गया। जगे हुए को जगा रहे हो लाखदेव। निशंकु, आचार्य दिखाई नहीं दे रहे। वो आज भी सारी रात जागते रहे। इस तरह से तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। हाँ, लेकिन अध्ययन शोध और कुछ परिणाम प्राप्त करने की उनकी बेचैनी के सामने हमारे तर्क हमारी चिंताएं कोई अर्थ नहीं रखती। उनके शोध कार्य का कुछ भार हम वहन कर ही सकते हैं। हम तो कर ही रहे हैं, पर ये भास्कर कुछ समझता ही नहीं। हर समय आचार्य के सामने नए से नए प्रश्न उठाता रहता है। वो भी सीखने की एक प्रक्रिया है। तुम भी कुछ कम नहीं। सीखने समझने का और कौन सा रास्ता है हमारे पास? ठीक कहते हो लाडदेव, वेदशाला में एक सीमा तक नक्षत्रों की हलचल मेरी समझ में आती है, लेकिन उसके बाद जैसे कुछ धुंधलाने लगता है। हाँ, ऐसी ही कुछ कुछ मेरी भी स्थिति है, लेकिन लगता है आचार्य शीघ्र ही किन्हीं निष्कर्षों पर पहुंचने वाले हैं। कैसे? भाई, उनके ललाट पर फैले श्वेत कण, बनती बिगड़ती रेखाएं, उनकी मुखाकृति पर आने वाले तरह तरह के भाव,
सभी यही संकेत देते हैं। इस व्याकुलता से कुछ निकलेगा अवश्य। चलो पहले नित्य कर्म से निवृत्त हो लें, फिर आचार्य से बात करेंगे। ठीक है। लाड़देव। हाँ कहो निशंकु। देख रहे हो, गुरुदेव अभी भी अस्त होते हुए अंतिम नक्षत्र का अध्ययन कर रहे हैं। हाँ। और हाँ देख रहे हो उनकी व्याकुलता। हाँ हमें कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए। हाँ, ये अवश्य सब नहीं। यही है। हो गया। केतकी, अब लाडदेव, निशंकु, भास्कर कहाँ है सब? अरे है कोई? लाडदेव, निशंकु, हो गया। अरे कोई है यहाँ? है कोई? आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वर्षों बाद मिल गया परिणाम, मेरे शोध का परिणाम। कोई है? है कोई? प्रणाम गुरुदेव। तुम हो यहाँ? हम तो बड़ी देर से आपको देख रहे हैं। हाँ, इधर इधर आओ, बैठो। देखो ये मेरे शोध का परिणाम देखो। बताइए तो सही गुरुदेव। लाडदेव, निशंकु, मैंने जो भी शोध परिणाम प्राप्त किए हैं उन पर संभवतः आज लोग विश्वास ना करें। हमें बताइए तो सही। तुम दोनों मेरे शिष्य ही नहीं मित्र भी हो, इसलिए तुमसे चर्चा कर रहा हूँ। आज तक धारणा यही है कि पृथ्वी स्थिर है। पृथ्वी स्थिर है और ब्रह्मांड चलायमान, लेकिन ये धारणा सही नहीं है। यानी? बैठो जी। दूसरे ग्रहों की तरह से पृथ्वी में भी गति है और मेरी गणना के अनुसार पृथ्वी अपने अक्ष पर पूर्व की ओर घूमती है। मैंने ये भी गणना की है कि पृथ्वी एक चक्कर 23 घंटे 56 पल और 4.1 क्षण में लगाती है, यानी लगभग एक दिन और पूरे एक वर्ष में 365.25868 चक्कर लगाती है। और इसी बात को सूत्र में मैंने बांध दिया है। ये देखो, युगर विभ गणा क्षुद्रित शशि। लो पढ़ो। ये तो बहुत कठिन है आचार्य। अब मैंने इस श्लोक के माध्यम से गणना का नया ढंग आविष्कार किया है। देखो, हमारी वर्णमाला क से म तक 25 अक्षर वर्गों में विभाजित है, जैसे कवर्ग, चवर्ग और शेष 8 अक्षर अवर्ग हैं। जी, मैंने प्रत्येक अक्षर को अंक मान दिया है और इन्हें एक श्लोक में सूत्र रूप में बांध दिया है। उदाहरण के लिए क का मान 20 है तो म का 25। अक्षरों के माध्यम से हम गणना त्वरित गति से कर सकते हैं। तुम इसका प्रयोग करके देखोगे? जी, ये हमें सीखना होगा गुरुदेव। पर इतनी उत्तेजना उचित नहीं है। मैं उत्तेजित नहीं, प्रसन्न हूँ। हमें तो आपके स्वास्थ्य के क्षय होने की चिंता लगी रही। एकदम स्वस्थ हूँ मैं, एकदम स्वस्थ। तुम दोनों की तरह युवा, अभी झेल सकता हूँ किसी भी तरह की कठिनाइयाँ। पांडुरंग कहाँ है? भास्कर कहाँ है? सभी को बुलाओ। पांडुरंग तो कामरूप प्रदेश में है, व्यवसायियों से पता चला है जल्दी ही लौटेगा। और भास्कर तो अपने में ही व्यस्त रहता है। आज मैं सबको बताऊंगा। पहले 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 तुम दोनों जान लो मेरे और शोध परिणाम। जी। और बैठो। सुनो, सभी को सूचित किया जाता है कि कल सुबह 7 से 11 बजे तक सूर्य ग्रहण लगेगा। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार सभी को चेतावनी दी जाती है कि वे दान पुण्य दक्षिणा देकर ग्रहण के प्रकोप से मुक्ति पाए। सुनो। ये अज्ञान का एक रूप है। क्या इस विषय में भी आपने कोई खोज कर ली है? हाँ, और मैंने निश्चय किया है कि मैं अपने सभी निष्कर्षों को सूत्र रूप में बांधकर अपने मित्र सम्राट बुद्धगुप्त को समर्पित कर दूंगा। हाँ केतकी, अपनी सफलता के पहले क्षण में मैंने तुम्हें पुकारा। तुम उस समय किसी स्वप्न लोक में होगी। उस समय भी मैं गंगा के किनारे ही थी। छल छल करता निर्मल जल और उसमें झलकते 2-4 नक्षत्र ही मेरे स्वप्न लोक थे।
साकेत की मेरा एक स्वप्न पूरा हुआ। दूसरे स्वप्न में मैं कहाँ हूँ? तुम तो मेरे हृदय का स्पंदन हो, मेरे आंखों में बसे महास्वप्न की आधारशिला हो। केतकी, अब ऐसा प्रश्न क्यों? आज चूड़ामणि और चिंतामणि पिताश्री से मिलने आए थे। तो? पूछ रहे थे कि आर्यभट्ट अपने शोध परिणाम कब घोषित कर रहे हैं। अभी तो मैंने समय मांगा है। हाँ, मैंने सुना है। वो दोनों दबाव डाल रहे थे कि अभी समय ना दिया जाए। महाराज का निर्णय मेरे पक्ष में ही होगा। जानती हूँ, आशंकित भी हूँ। कैसी आशंका? यही कि इन दो धूर्त ब्राह्मणों की ईर्ष्या कहीं तुम्हारी अवमानना न करवा दे। अवमानना? हाँ, वो तरह तरह के अपवाद फैलाने में कोई संकोच नहीं करेंगे। पर मेरे शोध परिणाम भुरभुरी दीवार नहीं है जो छोटे से झंझावात से गिर जाएगी। ना सही, तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल तो कर ही सकते हैं ना। मेरे सामने प्रतिष्ठा का प्रश्न ही नहीं है केतकी। मेरे सामने तो है ना। अच्छा हो तुम भी इस अहम के झूठे पक्ष से मुक्ति पालो। तो तुम उनके साथ विवाद नहीं करोगे? आवश्यक हुआ तो, और उन्हें विवाद से पूर्व इन निष्कर्षों का अध्ययन करना होगा। उनकी बातों से लगता था कि वो पूरी तरह से तत्पर हैं। बिना जाने के निष्कर्ष हैं क्या? कुछ ना कुछ समाचार तो हवाएं भी देती रहती हैं। तो इस भय से मैं सम्राट के सामने आर्यभट्टीय प्रस्तुत ना करूं? ये मैंने कब कहा? चाहती हूं कि तुम्हारे आसपास प्रतिष्ठा का जो प्रभा मंडल खड़ा हो रहा है उस पर कोई काली छाया ना पड़े। तुम्हारे सामने है ये प्रश्न, मेरे पास केवल गंतव्य है, जिसके जितना पास पहुंचता हूं वो उतना ही दूर हो जाता है मुझसे। मुझे तो चलना है, निरंतर चलना है। मेरी इस यात्रा में तुम हो ना मेरे साथ? हाँ अरे भट्ट। और मेरे मित्रवत शिष्य हैं निशंकु, लाडदेव, पांडुरंग, भास्कर। महामात्य ने क्या कहा? यही कि वो भी अपना पक्ष सम्राट के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। इतने महत्वपूर्ण निर्णय क्षण भर में? उनके पास और क्या विकल्प था? वो तो चाहते हैं कि विद्वत परिषद में आने से पूर्व इन शोध परिणामों पर कोई बात ही ना की जाए। वैसे तुम भी सम्राट से मिल लेते तो? नहीं नहीं, सम्राट बुद्धगुप्त मेरे परम मित्र हैं। मैं किसी भी तरह की अतिरिक्त कृपा का पात्र नहीं बनूंगा। मैं कहीं भी अपना पक्ष रखने के लिए तत्पर हूं, निर्णय जो भी हो। और जो निर्णय अभी तक रुका हुआ है वो? केतकी, इतने छोटे से प्रश्न को इतना बड़ा प्रश्न क्यों बना रही हो? कल जब तुम्हारी जय जयकार होगी तो ना जाने कितने बड़े बड़े लोग तुम्हें अपना जामाता बनाने को तत्पर हो जाएं। पर उनमें से किसी के पास भी केतकी नहीं होगी। क्या जब सभा हो तो तुम मेरे पास रहना। पिताजी ने आज्ञा दी तो। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रताप सहगल के लिखे नाटक अन्वेषक की पहली कड़ी। भाग लेने वाले कलाकार थे कीमती आनंद, योगेंद्र टिक्कू, सिद्धार्थ, एस एम शरीफ, हर्ष बाला खन्ना, सुनील लोहिया, हर्ष अरोड़ा, राघवेंद्र तिवारी, ब्रिज मोहन यादव और राजेश कंबोज। निर्देशन था काजल सूरी का।